हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 8B है हमारा, उसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में सेक्शन नंबर 8B के अंदर डिफाइन किया गया है। डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन होता है, उसके कार्य क्या होते हैं और कौन उसे अपॉइंट करता है, इन सब चीजों के बारे में सेक्शन नंबर 8B के अंदर डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो आज हम डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में स्टडी करेंगे और उसके कार्य के बारे में जानेंगे कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर जो 8B है हमारा, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स और उसे कौन अपॉइंट करता है, तो जो हमारा क्लोज 1 है उसके अंदर डिफाइन किया गया है द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया आपको, कौन अपॉइंट करेगा, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मैनी डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स एज इट थिंक्स फिट एंड स्पेसिफाई द एरियाज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वह अपॉइंट करेगी और उनको जो एरिया है वह डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि कहां पर किस जो ऑफिसर है उसको भेजना है। ठीक है, जैसे ही भर्तियां होती है, नियुक्ति होती है एक डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की, तो उसे कोई भी जैसे डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भेज दिया जाता है और उसको पावर दे दी जाती है, और जो वह एरिया जिसके अंदर उसे भेजा जाता है वह उसकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आता है और वहीं पर उसकी जो पावर है वह अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यह भी हम बोल सकते हैं कि जो डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा उसकी एक ज्यूरिस्डिक्शन होगी, यानी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसे भेज दिया गया है, उसकी नियुक्ति की गई है, तो वहीं पर उसकी ज्यूरिस्डिक्शन बनेगी और वहां पर वह अपनी पावर का यूज कर सकेगा। और पावर क्या है उसकी, उसका काम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में सेक्शन नंबर 8 के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे। तो क्लोज 2 आता है अब हमारा, जिसके अंदर बोला गया है एवरी डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस नेमली। तो क्लोज 2 के अंदर जो पावर्स दी गई है उन पावर को जो हमारा डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है वह यूज कर सकता है। ठीक है, और जो डोगरी है उसको रोकने के प्रयास करेगा इन पावर को यूज करने के साथ साथ, और लोगों को जागरूक करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेक्शन नंबर 8B का 2 क्लोज सब क्लोज ए है, टू सी दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर कॉम्प्लाइड विद, यह देखने के लिए कि जो यह अधिनियम है, यह जो हमारा एक्ट है यानी डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके प्रावधान यानी जो उसके अंदर नियम बनाए गए हैं, जैसे सेक्शन नंबर 3 के अंदर था कि जो डोगरी लेना और देना दोनों ही अपराध है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर था कि जो डिमांडिंग ऑफ डोगरी है वह भी एक अपराध है, अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी, उन सब का अनुपालन किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को जो हमारा डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है वह देखेगा। और अब आता है सब क्लोज बी, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ और द डिमांडिंग ऑफ डोगरी, जहां तक संभव हो दहेज लेना या मांगने से रोकने के लिए जो हमारा डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है वह अपनी पावर का यूज करेगा। सबसे पहली बात तो दहेज लेने पर रोक लगाएगा, फिर उसके मांगने पर रोक लगाएगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति दहेज देता है या फिर डिमांड करता है उसके ऊपर भी रोक लगाने का काम कौन करेगा, हमारा जो डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है वह करेगा। अब आता है हमारा जो सेक्शन नंबर 8B का क्लोज 2 है उसका सब क्लोज सी, टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्संस कमिटिंग ऑफेंसेस अंडर द एक्ट एंड। अब यहां पर बात आती है कि एविडेंस की, सबूत की, कि सबूत को एकत्रित करने का काम है जो हमारा डोगरी प्रोहिबिशन ऑफिसर करेगा। वह यह देखेगा कि अगर कोई व्यक्ति डिमांड करता है डोगरी की, वो तब वहां पर वह एविडेंस कलेक्ट करेगा। जैसे आजकल तो डिजिटल हो गया है इंडिया, तो अगर कोई सेलफोन के द्वारा कोई व्यक्ति डोगरी की डिमांड करता है तो वहां पर वह उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उनके पैसे देते हुए की तस्वीर भी ले सकता है, यह भी एक साक्ष्य या फिर हम बोल सकते हैं एविडेंस हो सकता है, या फिर अगर कोई अन्य व्यक्ति है जो विटनेस है, जो
आई विटनेस जिसे हम बोलते हैं किसी व्यक्ति ने लेते हुए देखा हो, भागते हुए सुना हो, उन सब चीजों का ध्यान भी किसे रखना है, हमारे डोगरी प्रोबेशन ऑफिसर को रखना है कि अगर ऐसी घटना होती है तो वह एविडेंस कलेक्ट करे जो कि जरूरी है एक व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करने के लिए, ठीक है, जो डोगरी प्रोबेशन एक्ट के अंदर ऑफेंस करता है। अब आता है हमारा सब क्लोज डी, टू परफॉर्म सच एडिशनल functions as may be assigned to him by the state government or as may be specified in the rules made under this act। और जो हमारा डोगरी प्रोबेशन ऑफिसर होगा वह जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी चीजें जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करेगा और इस अधिनियम के अंदर जो भी हमारे सेक्शंस हैं उनका अनुपालन हो रहा है नहीं हो रहा है उन सब चीजों के बारे में देखेगा, ठीक है, और लोगों को जागरूक भी करेगा कि अगर आप डोगरी देते हैं तो यह आप एक अपराध कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लोज थ्री जो है हमारा, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कन्फर सच पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑन द डोगरी प्रोबेशन ऑफिसर हु शैल एक्सरसाइज सच पावर्स सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशंस and conditions as may be specified by rules made under this act। राज्य सरकार जो होगी हमारी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजपत्र आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा या फिर पीडीएफ में मिल भी जाता है एक बहुत सारा बड़ा, जिसके अंदर जो हमारी राज्य सरकार होती है वह अधिसूचना जारी करती है कि या फिर हम उसे राजपत्र बोल सकते हैं, तो उसके अंदर लिखा होता है सारी चीजों के बारे में कि यह कब से अप्लाई हुई, जैसे बेयर एक्ट होते हैं उसी तरीके का एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसके अंदर सारी चीजें लिखी जाती है। और जो हमारी राज्य सरकार है अगर वह जारी कर देती है, कोई नया नियम लागू हो जाता है तो वह भी अप्लाई होगा, ठीक है, और वहां पर जो एक ऑफिसर होगा उसको जो पावर दी गई होगी वह भी अप्लाई होगी और वह जो हमारा डोगरी प्रोबेशन ऑफिसर होगा वह उन जो पावर्स है उनका यूज कर सकेगा और एज पर लो ही वह अपनी पावर का यूज करेगा, लो से बाहर नहीं जा सकता है, जो भी पावर उसको यूज करनी है तो डोगरी प्रोबेशन एक्ट के अनुसार ही वह अपनी पावर का यूज करेगा। अब आता है हमारा क्लोज फोर, द स्टेट गवर्नमेंट मे फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग द डोगरी प्रोबेशन ऑफिसर्स इन द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ not more than 5 social welfare workers out of whom at least 2 shall be women from the area in respect of which such Dogri probation officer exercises jurisdiction under sub section। अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसने क्या कर दिया कि जो Dogri probation officer होगा उसको असिस्ट करने के लिए 5 जो social welfare के लिए जो worker काम करते हैं वह अपॉइंट किए जाएंगे और उनकी जो एडवाइस है वह जो हमारा डोगरी प्रोबेशन ऑफिसर होगा वह उनकी एडवाइस लेगा और साथ में वो उनके काम करेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो 5 ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे, 5 मेंबर बोल सकते हैं हम जिन्हें, सोशल वेलफेयर वर्कर्स आउट ऑफ होम एट लीस्ट 2 सेल बी वुमेन, तो वहां पर जो 5 हो गए 5 में से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 5 के 5 पुरुष हो जाए, क्योंकि डोगरी की ज्यादातर क्या होता है कि एक लेडीज से ही डिमांड की जाती है, एक लड़की से डिमांड की जाती है, तो वहां पर एक वुमेन का होना जरूरी है, क्योंकि वुमेन क्या करती है कि अगर उस विक्टिम से बात करेगी तो वहां पर उसको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा, तब वह पूरी की पूरी बात बता सकती है, क्योंकि काफी केसेस के अंदर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक वुमेन को टॉर्चर कर दिया जाता है, तो वह अपनी बातें है वह एक मेल ऑफिसर को खुलकर नहीं बता सकती है या फिर एक मेल सोशल वर्कर को खुलकर नहीं बता सकती है, तब वहां पर उसके लिए एक फीमेल का होना जरूरी है, ठीक है। तो वहां पर एक जो हमारी 2 फीमेल एटलीस्ट होनी चाहिए सोशल वर्कर है, तो वहां पर उसी एरिया के अंदर अपॉइंट की जाएगी जहां पर जो हमारा डोगरी प्रोबेशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया गया है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन है और जहां पर उसकी पावर्स है जो अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू द सब सेक्शन 1 ऑफ द डोगरी प्रोबेशन एक्ट 1961 क्लोज सेक्शन 8 क्लोज
सेक्शन 8B के अनुसार जो उसकी पावर है वह एक्सरसाइज होती है जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, तो वहां पर जो 5 मेंबर है वह अपॉइंट किए जाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको सेक्शन नंबर 8B समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर करिए, कोई भी आपका चाहे क्वेश्चन हो, ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो ये हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।